आदर्श ग्राम गौरव ग्राम टोकरो और टोकरो की पावन भूमि सुंदर आज बसंत पंचमी सरस्वती पूजन सरस्वती जयंती की पावन उपलक्ष्य में आपके पावन ग्राम में बसंत महोत्सव के रूप में आज जय मां सरस्वती मानस मंडली ग्राम टोकरो के संयुक्त तत्वाधान में और साथ ही विशेष आभार मानस शक्ति केंद्र पिपरौर जो मां कौशल्या जिला मानस संघ रायपुर से संबद्ध है
ऐसन के पावन सहयोग के द्वारा बहुत ही सुंदर मानस महोत्सव बसंत महोत्सव के पावन अवसर में रखे के लिए एक बार पुनः समस्त गाँव वासियों को जोरदार आप सब ताली बजा दीजिएगा और प्रणाम रखूं भाई ये गांव के चंदन माटीला गांव के देवी देवताला और विशेष यहां के संत सुजान धर्मात्मा महात्मा सियान नौजवान छोटे छोटे बालक और सम्मानी हमर संचालक गुरुदेव भाई राधे रमन साहू जी और यूट्यूब चैनल वाले मोर धरोहर भाई साहब और माइक सिस्टम के सुंदर संयोजन करिया भाई साहब आप लभी प्रणाम और जो भी कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सहयोग प्रदान करत हो ऐसन समस्त जीव ला सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरू पानी के पावन भाव के संग श्री पटेश्वर मानस मंडली ग्राम पटेवा विकास खंड बनपुर जिला रायपुर की ओर से सत प्रणाम है हृदय से स्वीकार करो आवाज पावन महोत्सव है हम सब लभी मन वचन वाणी ल पवित्र करे के आज अवसर मिले है और धन्यवाद आप टोकरो गांव के लिए विशेष कृपा है हम सबके ऊपर हमर मानस मंडली ऊपर कावर दाई हम शक्ति रामायण के पढ़िया रहे लेकिन मानस शक्ति केंद्र के द्वारा एक सुंदर आयोजन हुई आपके गांव टोकरो में पिछले वर्ष और पिछले वर्ष में हम मानस शक्ति केंद्र में जुड़े रहे तो एक सौभाग्य मिली की भैया ग्राम टोकरो में आप मतलब ही जा करके राम कथा सुनाना है सौभाग्य मिली जाई आपके पावन ग्राम के यही मंच में प्रथम बार पहली बार इसने मंच में गाय हन बजा हन जिकर कृपा हमारे ऊपर बरसी साफ मन के आशीर्वाद बरसी इसने मंच में आज हम छठवा बार बैठे थे छठवा बार और छठवा बार में दाई पांच ठन हमन हा बड़ाई नहीं करत हूँ प्रशंसा नहीं करत हूँ भाव निकल गए वो भाव लाप मन से व्यक्त कर कर जात हूँ और पांच बार हमन पांच मंच में हमन प्रतियोगिता मंच में आपी मन के कृपा से मन हा गायन बजायन और पांच मंच में हमन चार मंच में स्थान मिले है वो सब आप ही के कृपा है मानस शक्ति केंद्र के कृपा है और यही दुलार पाए है आप सबके बीच में पावन उत्सव में हम शरीक हो हन शामिल हो हन आवो सुंदर आदेश गुरुदेव के तरकान दोहा क्रमांक 161 जहाँ पूज्यपाल गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते बिन सत संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग मोह गए बिन राम सदा अर्थ है अर्थ है कि बिना सत्संग के भगवान के हरि की कथा नहीं मिले और भगवान की कथा नहीं मिले तब जीवन के मोह भागे नहीं और बिना मोह भागे बिना भगवान के चरण चरण कमल में असीम प्रेम अनुराग नहीं हो सके यही सुंदर पावन अर्थ है ये दोहा के और आवा ये दोहा में आपके और हमर जीवन भर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी का शिक्षा देते एक कुछ क्षण आत्मा के सहयोग से आपे मन में बताए गोठियाए गोट गोठियाए के प्रयास करूं तो कर पहली एक वंदना हमन पटेश्वर नाथ के धरती से आहन लाई जिला प्रथम पंचकोशी यात्रा के हे जाते और जैन भगवान पटेश्वर नाथ के पावन नाम के संग हमारे पटेश्वर मानस मंडली के नाम पड़े हुए हैं तो आव वही पटेश्वर नाथ के पावन पौरी माँ श्रद्धा के फूल अर्पण करत हुए चल गए कथा प्रचल की ओर बोलिए सियावर राम चंद्र की जय बोलिए पटेश्वर महादेव की जय We'll be right back.
दिन सत्संग न हरि कथा ते बिन मोहन भाग मोह है बिन राम पद हो न दे अनुराग राम कथा सुने राम कथा तीर से सुनना चाहिए भाई, नजदीक से सुनना चाहिए। और मैं नहीं कहा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, कैसे काम मिलते राम कथा तीर से सुने के तो जीवन में विश्राम मिलते जाए विश्राम। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पावहि विश्राम। भगवान के कथा मतलब जितना पीर में हो सके भाई सुनना चाहिए और बड़ा ध्यान लगा के सुनना चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी की इसकी कैसे सुनना चाहिए तो कान लगा के सुनना चाहिए। काबर ये राम कथा रसदाई रसा रसल जानते नहीं वो झुझो टमाटर के है नहीं का उसने प्रकार के राम कथा घलो रसदाई। और काबर रसाय कौन की इस रसाय की के तो गोस्वामी तुलसीदास जी की इस कोनो की आ रसा कथा महाराज तुलसीदास जी त का रसाय तो गोस्वामी तुलसीदास जी की इस की भैया अलग जानना है तो रामचरित मानस के रामायण के आरती के दो लाइन पढ़ो की गावत वेद पुराण अष्टदश छवो शास्त्र सब ग्रंथन कोरस सारे अंश सम्मत सब ही आरत श्री रामायण जी। रामचरित मानस में चार वे छह शास्त्र अठारह पुराण नौ व्याकरण ग्यारह उपनिषद और बहुत जितने भी संसार के वेद शास्त्र है सबके सारे दाई सार कोरस। अब उनकी इसको स्वामी तुलसीदास जी है रस हैगा। और जतेक भी संसार के वे सात पुराण ला साग मान ले है नहीं गा तो राम कथा काय ओकरे सबके झोर झोर रसा। और रसल कैसे पिए जाते जाई कतिल पिए जाते झोझोर कतिल पिथो कतिल खाथो मुंह को तिल है ना बस फरक के जाई राम कथा ला मुंह को तिल नहीं पिए बल्कि कान को तिल पिए जाते। गोस्वामी तुलसी राज लिखी रामचरित मानस यही नामा कहत श्रवण पावहि विश्राम। श्रवण माने कान होते कान कटी श्रवण कर जाए से पिए से जीवन ला विश्राम मिलते शांति मिलते। और यही शांति के खोज और शांति के तलाश भक्ति के तलाश बड़े संसंग हो जाते। बहुत बहुत धन्यवाद मानस ग्राम टोकरोला और हमारे युवा साथी जय माँ सरस्वती मानस मंडली जी हमारे पुराना पूर्वज मन के सियार मन के आदेश और प्रेरणा पा कर कते सुंदर काम करते थे। और मुला पता भी चली शोभ भैया नयन भैया मन बता रही से कि जते भी पुराना हमारे सदस्य रही से जे मन अच्छा काम करे कार्य करे वो मुला मान सम्मान घर में ये गांव में किए गए मंच में बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद भैया ऐसा काम करे और ऐसा आयोजन करके के एक संस्कार और एक प्रेरणा के पात्र बने हो। आज तो मन करे हो भैया आने वाला समय आने वाला भविष्य में भी लसीख करके आने वाला भविष्य आने वाला बाल बच्चा मन घलो ऐसा संस्कार ला अपनाए रे। और राम कथा संस्कार के कथा है संस्कार के ज्ञान देने वाला है भैया। एक बार पुनः हम ताली बजाते हैं चलो जी ताली बजा गांव वाला मन बहुत सुंदर संस्कार आवा मिले समय बिनु सत्संग न हरि कथा तेहि बिनु मोह न भाग मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग।
और बताया कि इसके रामचरितमानस के आखिरी कांड दाई आखिरी अहो मन आखिरी आखिरी मंडली तान का आखिरी मंडली हमन बैठे ना आखिरी रामचरितमानस के आखिरी आखिरी कांड जिला उत्तर कांड रामचरितमानस में सात कांड कोनो कोनो भगवान तुलसीदास जी महाराज ने प्रश्न कर दिस कि महाराज अब रामचरितमानस में सातें कांड काबल लिखे होगा आठ कांड लिख देते हो नौ कांड लिख देते हो सातें कांड काबल लिखे हो वो स्वामी तुलसीदास जी की इसकी देखो भैया सात दिन होते सात रात होते आदमी ला जीव ला सात दिन के अंदर आना है और सात दिन के अंदर जाना है सात महाद्वीप है सात महासागर है और जब घमर दाम्पत्य जीवन में बंधन दाई तो सात भावर किंजरे लागते और जब ये शरीर संसार सागर से जाते ना तब दास संस्कार के पहली सात भावर हम अल्लाह घूमे लागते घुमाए जाते और जिन राम की कथा ला हम कहे बन जाते हैं सुने बन जाते हैं दाई ओकरो दशा अवतार है और भगवान के दशा अवतार में भगवान राम के नंबर कर कहे सात सातवें दस अवतार है तुम्हें दस अवतार में भगवान राम के नंबर कर कहे सातवा पहला मत्स्य अवतार दूसरा वराह अवतार पहला मत्स्य अवतार दूसरा सक्षत अवतार तीसरा वराह अवतार चौथा नरसिंह अवतार पांचवा वामन अवतार और छठवा परशुराम जी के अवतार और सातवां राम के अवतार आठवां भगवान कृष्ण के अवतार और नौवां बुद्ध अवतार और दसवां कल्कि अवतार तो भगवान के नंबर करके हुई सातवां। अच्छा भगवान के राशि का है तुला राशि है ना भाई तुला राशि और बारह राशि होते दाई और बारह राशि में भगवान के नंबर तुला राशि के क्रम क्रम में आते तो सातवां नंबर में ही आते और सबसे बड़ी बात और है दाई कि हम जन्म धरण या शरीर पहनना वो सातेज बीतके शरीर है अपन अपन बीतन नाप देना तो सात बीतके शरीर है नान चुक गुड्डू गलो अपन बीतन नाप ही तब है वो सातेज बीतके है ना नान चुक गुड्डू हो रही ना या गुड्डी हो रही ओकर बीतन नाप के देखो ना वो सातेज बीतके तो ये सात बीतके शरीर है भव सागर से कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी की भैया ये सात बीतक के शरीर ये संसार सागर से मुक्ति पा जाए तो रामायण के सात कांड ला अपन सुन ले गुण ले चुन ले अपन जीवन में उतार ले तो निश्चित है जीव संसार सागर से पार हो सकते मुक्ति के धाम पहुंच सकते यही सुंदर भाव है सत्संग न हरि कथा सत्संग कावर करना चाहिए दाई सत्संग करे से मिलते का है ना तो गोस्वामी तुलसीदास जी की इसकी भैया सत्संग करवे तो भगवान के कथा मिलते भगवान के कथा मिलते तो जीवन के मोह भाव थे और मोह भाव थे तो भगवान के चरण में प्रेम होते और भगवान के चरण में प्रेम होते तब जीवन के धन्यता बढ़ जाते जीवन के महत्व बढ़ जाते जे उद्देश्य से लेकर के हमारा मनुष्य तन पहनना तो मनुष्य तन सार्थक हो जाते काबर ये शरीर के सार्थकता कब है ये जीव के सार्थकता कब है दाई जब ये जीव ईश्वर से मिलते न तब ये जीव के सार्थकता हो जाते काबर ये जीव का है ईश्वर है ये सब जीव अविनाशी चेतन यमल सहज सुख राशि कावर जीव है ईश्वर के अंशदाई और अंत में ओकरे से मिलना है जीव के पूर्णता ईश्वर से मिले वर होते जैसे प्रकार से नदिया की पूर्णता कब होते जब वो सागर से मिलते एक दीपक की पूर्णता कब होते दाई जब वो सूर्य से मिलते ओकर प्रकाश से मिलते निज जलाग देखो कोई भी दिया जलाग देख लो दीपक जलाग देख लो जब भी जल ही तो दीपक हमेशा ऊपर की ओर ओकर लौ होते लौ एक जन व्यक्ति कल कर दी कैसे खाल हम नहीं हुई लोहा की लानी मोमबत्ती ला अल्लाह मोमबत्ती लान के काय करी दीपक ल जले सब इससे टेढ़गा करी नीचे जाही की लेकिन ऊपर लोहा हमेशा ऊपर उठे मतलब ओकर पूर्णता है दाई एक दीपक के पूर्णता है प्रकाश की ओर जाए बर सूर्य से मिले बर उसने हमरो मन के पूर्णता कब होही जब भगवान के धाम तुम को भगवान के चरणारविंद ल पाबो एकर से तुम गोस्वामी तुलसीदास जी की भैया भगवान
भगवान ल पाना है तो अनुराग होना चाहिए। अनुराग कहाँ मिलते? जब तक कि जीवन में भगवान के प्रति अनुराग नहीं हुई, प्रेम नहीं हुई। और भगवान के चरण में कब प्रेम हुई? जब मोह छूटी। और मोह कब छूटी? जब भगवान के कथा मिली। और भगवान के कथा कहाँ मिली? तो गोस्वामी तुलसीदास जी बोले कि सत्संग में मिली। एक चर्चा आए बिनु सत्संग। तो आवा एक भजन कर लेते हैं। भजन के पश्चात जाने के प्रयास करबो कि सत्संग कथे काला। सत्संग कावर किए जाते अगर चर्चा है। आवा भजन के आनंद लेवन। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। Hey, 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 hey
बार लग रहेगा भैया तेरा गोस्वामी तुलसीदास जी के तेगर से ती बजवाता हूं कावर के जहां भगवान की कथा हो जहां वो पुराण चलत रहा हो जहां वे सुंदर भागवत पुराण चलत हो वहां ताली बजना चाहिए कावर राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहंग लावन हार जहाँ जहाँ राम कथा होते वहाँ ताली बजना चाहिए दाई ताली बजे से क्या होते तो संशय रूपी पक्षी संशय विहंग विहंग माने पक्षी पक्षी संशय रूपी जो पक्षी रहते ना वो और वही संशय के प्रसंग दाई संशय और भ्रम में पड़े रही से कौन गरुड़ जी महाराज और गरुड़ जी महाराज संशय कैसे पड़ गए तो लंका के रणांगन में जब भगवान राम और लक्ष्मण जी युद्ध हो इस मेघनाथ के साथ तो नाग फांस में बंधा गए भाई राम और लक्ष्मण जी और नाग फांस में बंधा गए बेहोश हो गए सब घबरा गए नाना प्रकार के जतन करी लेकिन होश नहीं है इस राम और लक्ष्मण ला तब नारद जी के आदेश करी कि जा भैया गरुड़ जी महाराज ने बुला लिया और गरुड़ जी को ने तो भगवान की सेवा का है इला बला का नाम ओकरे द्वारा नाग फांस के नाग फांस है कि बंधन कटे जाए तब गरुड़ जी के पास की सर गरुड़ जी लगी नहीं सी गरुड़ जी ऐसे ऐसे हो गएगा चल तो जरूरत है भाई भगवान के नाग फांस लेती है काट सकते और काट सकते की इतना गरुड़ जी ना का हो गए अरे वो भगवान है ना भाई वो भगवान है कैसे बंधा गए और बंधा गए तुला तो भव सब भव संसार के भव बंधन ला काटने वाला है कथे तो अपने बंधन ला नहीं काट सके तो वो काहे का भगवान भगवान में समझता ही देखो भगवान के संग में हमेशा संग रहने वाला है गरुड़ जी महाराज लेकिन भगवान ला समझ नहीं पाते संशय हो गए कि वो भगवान हरे तो है धरती में उतार लेते रहे भगवान की जानते थे लेकिन संशय कर रहे संशय कर रहे ये भगवान नहीं हो ही का जी नहीं का भगवान हरे तीसरे लाते तो ही संशय राई जैसे सामने का पड़े है रस्सी पड़े है जाना था रस्सी पड़े है की के लेकिन अंधियार हो गए तो हम ते काय कहा था वह रस्सी नहीं हुई का अगर सांप हो ही का एक कनक में कहा था नहीं नहीं रस्सी हो ही का तो ही संशय और भ्रम काला कथे वो रस्सी ना जाना था रस्सी की के लेकिन अंधियार में वह सांप दिखता तो नहीं वो रस्सी नो जी सांप चे ऐसे की कहा था नहीं है रे भ्रम और वही गरुड़ जी भ्रम में पड़ गए दाई मोह में पड़ गए कि ये भगवान नहीं है तो इसे लाते नो हरे
ये है तो साधारण मानव है। एक प्रकार के मोह में पड़ गए और मोह काला कथे अज्ञान मूलक वस्तु में आसक्त रहना यही है रे मोह। मतलब जान के न मानना यही है रे मोह। ओकरे मोह के कथा है दाई और मोह छूटते कब? नारद जी बताया कि इसे गरुड़ जी तोला मोह हो गया, तोला संशय हो गया और जिला संशय रूपी सांप काट लेते ना दाई। ओकन्ना ना तो भूख लागे न प्यास लागे न चैन पड़वे नहीं करे। गरुड़ जी ना घलो चैन नहीं पड़े थे काबर ओला इलाज करवाए बर बला रही से। और जे करोना के इलाज कराए बर करोना डॉक्टर ला बला रही से वही करोना हो गए। वो गरुड़ जी ला बला रही से इलाज कर बती के लेकिन वही ला कोरोना हो गए। और समझे जाए तो संशय रूपी सांप वही काट ली जेला फुकेल बला रही से ओला सांप काट देगा तेरा फुक देबे की के त फुकैयत ल सांप काट दी का सांप त संशय रूपी सांप गरुड़ जी ला काट ली। और काटिस त गरुड़ जी महाराज ताला बेली हो गए काय करो कैसे मोर संशय ल दूर करे। और नारद जी की से काम कर भैया ते ब्रह्मा जी कर पास जा और ब्रह्मा जी सब के निवारण कर दी। ब्रह्मा जी कर गीस गरुड़ जी महाराज ब्रह्मा जी कहते नहीं भैया मोर ऐसा काम न है देख काम कर ते भगवान शंकर कर जाना जी। भगवान शंकर दयालु हो भोले नाते सब के जो समस्या वाला हल कर देते तगर से तीर सब कहते ना। और प्रदीप मिश्र जी गलो कहते एक लोटा जल समस्या के हल भगवान शंकर करते दाई। गरुड़ जी नौकरे कर भेजी गरुड़ जी रस्तम मिल गए कौन भगवान शंकर। भगवान शंकर कहते कहां जाते गरुड़ जी ऐसा नहीं सन बात है प्रभु तोरे कर जावत हूं दादा मतलब बहुत बड़े बीमारी हो गए संशय हो गए ही ठीक कर की। भगवान शंकर कहते अरे ऐसा तोला बिल्कुल ही मोह की बीमारी हो गए तोला तब कैसे कहता तोला सत्संग करना पड़ी। तब गरुड़ जी कहते कि ते भगवान शंकर सब समस्या के हल करते प्रभु ती ही मोह का सत्संग कर दे मोर हल कर दे कि इसकी देख भैया ते पक्षी के जात है जी है ना भाई। और पक्षी खग ही जाने खग की भाषा पक्षी है पक्षी की बात वह जानते एक काम कर नीलगिरी पर्वत में जाओ जहाँ काक बसुन जी महाराज रोज भगवान के राम के कथा कथे बोला सुन तो जीवन के मोह भाग जाएगी। बस भाई यही करके कथा है और सत्संग काबर करे जाते बिनु सत्संग सत्संग काबर करे जाते सत्संग मिलते कैसे तो सत्संग तीन प्रकार के कृपा से मिलते दाई। आज तुम्हारे गांव में आयोजन हो तो काकर कृपा से होते तो बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये सत्संग मिलते भगवान की कृपा से मिलते आवाज के सत्संग माँ सरस्वती के कृपा से मिले है ना है ना है ना। बसंत पंचमी के दिन आए और माँ सरस्वती के पूजन दिवस आए और सबसे बड़ी बात कि आज के दिन दाई 14 फरवरी मातृ पितृ दिवस तो माँ बाप की पूजा के दिन है जे माँ माता पिता के चरणारविंद में जो श्रद्धा पूर्वक माथा नवाले जीवन धन्य धन्य हो जाई। काबर माता पिता ही तो ये संसार के चैतन्य देवता है वो चैतन्य भगवान है हमन भगवान लग कहाँ खोजबो। माता पिता के ही रूप में हमर घर में विराजमान है हमर माँ बाप हमरे भगवान है। काबर कह भी जाते ना एक पुत्र के लिए माता पिता ही होकर भगवान होते एक शिष्य के लिए गुरु ही भगवान होते और पत्नी के लिए पति ही भगवान होते। ऐसा पावन पर्व है ऐसा पावन पर्व में काकर कृपा से मिले तो माँ सरस्वती की कृपा से और कह भी जाते कि तीन प्रकार के कृपा एक होते पुरखा के कृपा एक होते ईश्वर के कृपा है ना भाई एक होते कर्म के कृपा। जब ईश्वर से कृपा होते दाई तब ऐसा सत्संग मिलते एक कर्म के कृपा होते न जाने पूर्व जन्म में हमन का कर्म कमाई करें ते कर फर्स्ट रूप ऐसा राम कथा मिली। और तीसरा कृपा तो पुरखा के कृपा हमर पूर्वज मन के हमर पितर मन के कृपा जेकर आशीर्वाद से कर जन्म वो मन कुंज ने का पुण्य प्रताप अपन जीवन में करारी सुकर प्रसाद के रूप में संग सत्संग मिली जाता कुछ करनी कुछ करम गति कुछ पुरखा के भाव।
तो अवश्य सत्संग करना चाहिए दाई। सत्संग से हम सब लोग मिलते का तो ताप सर जब वर्ग सुखा घर ही तुला एक अंग और तुल न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग करे से जीवन में वो आनंद की अनुभूति होते दाई, चाहे एक क्षण क्यों ना तुम सत्संग करे रहो ओकर फल अवश्य मिलते। एक समय की बात हो सत्संग काबर करना चाहिए कैसे ती बता दो। एक समय के बाद इसने तो हर गांव रामायण होते इसने रामायण होत रहा है सुंदर कथाकार कहानी कथा भगवान के कहात रहा है। वही रात के दू जन चोरहा बना एक घर खुशा के तोहर गांव नहीं खुश रे कोनो चोरहा की हिम्मत नहीं है तोहर गांव में। ऐसने दूसरा गांव में एक जन दू जन चोरहा मन खुशर के चर सुनना पाके और वो घर से 1,00,000 रुपया चोरा ली अब 1,00,000 रुपया चोरा के काय करे दोनों चोरहा मन 50,000 ला बांट और बांटे के पश्चात वही राम कथा होत रहा है तीही को दिख रास्ता में जावत रहा है। तो भगवान के कथा कहा एक कथाकार कहात रहा है कि भगवान के छह नहीं हो ये कथल बतात रहा है भगवान के छह नहीं रहा है ऐसे कहात रहा है। तो दू जन चोरहा मन के एक जन चोरहा के कान हम इस सत्संग को चल दी और तुरंत बात ना सुने दाई कि भगवान के छह नहीं रहा है इस बात पर सुने रही थी। अब एक जन तो कान लगा के नहीं करी है ना भाई अब काय करी सो मन अपन अपन घर की अपन अपन बंटवारा घर के और अपन अपन बंटवारा घर के जब आराम करत कृष्णा तो एक जन चोरहा के मन में कपट भाव आ गए। अरे यार 1,00,000 चोरी करे है साले एक जन साथी है इसे बोला बंटवारा देना पड़ गए और वही लम्बे तब 1,00,000 मिले रतीस मुला काबर दाई चोरहा मन काकरो संगवारी नहीं हो चोरहा के ना कोनो मित्र नहीं हो सके काबर ओकर मन में कपट भाव रहते है ना भाई। अपन मित्र चाहे कतको अच्छा रहे लेकिन ओला मित्र नहीं समझे कब ओकर मन बदल जाए कब अपन मित्र लही शत्रु बना लिए चोरहा मन के अवगुण में चलने वाला मन के काम होते वो सोचे क्यों ना उसके घर डाका डाला जाए 50,000 तो है क्यों ना टाका डाला जाए चल दिस दूसरा चोरहा पहला चोरहा घर में और घर में जा करके योजना बनाई कि ऐसने में खटखटाहूं रात के समय तो वो उठे नहीं भैया तो एक काम करूं मैं भगवान कहूं कहूं तो कैसे नहीं खोली इसे कि ना दरवाजा खटखटाई और दरवाजा खटखाए खटखटाए के पश्चात वो आवाज करी तब ओकर दोस्त उठी उठी तत्कर आतन कौन हम मुला खटखटात हुई कि काय करिस कौन जी तो वो चोरहा वाला मारे ला रहा है ना लूटे ला रहा है वाला अपने दोस्त लते रख के ही मैं भगवान हूं जी मैं भगवान हूं से की अरे अरे भगवान अस्त कौन एक लोटा जल समस्या के हल वाला हूं इसे कहते अब वो आदमी इसके चलो भगवान ने कहते चलो कि अब की तब आवत अब सुरता आगे दाई सत्संग के बाद सुरता आगे होना तब सत्संग में कह रही थी भगवान के छैया नहीं रहा है की के तो रहा तो की खिड़खिड़ को तुम देखी से भगवान कहते तो कर छैया है कि नहीं है तब खिड़की को तुम देखी तो देखते का कि ओकर तो छैया है काबर तो आदमी है रे छैया है तब की इसकी नहीं भैया ये भगवान नहीं हो सके बल्कि मोला लूटे बरा है ना ये प्रकार से कह पाट लग खोलवे नहीं करी दाई और सुबह हो गए सुबह के बाद सारी स्थिति ज्ञान प्राप्त हो गए कि नहीं भैया मोला मारे बरारी से कि तब याद करी से छनला कि वाकई में सत्संग में कितन गोट के सुने सत्संग के कितन बात के सुने कि भगवान के छैया नहीं हुआ कि के आज सत्संग में अपनी कन गोट लग नहीं सुने रखे तो आज मर हत्या हो जी रखे ये सत्संग के बिनु सत्संग न हरि कथा ते बुली मोह न भाग तेकल सिति दाई जीवन में सत्संग करना चाहिए। सत्संग करे के पश्चात हरि के कथा में थे तो आवो चर्चा करो एक भजन के पश्चात कि कथा कैसन होते कथा का है रे और कथा हो से हमर जीवन के मोह कैसे भाग ते का चर्चा करो आवो भजन पश्चात बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। बोले राजा राम चंद्र की हाँ
और याद नहीं आवत इसका एक जन सिन्हा साहेब जी 20 रुपए के राशि दे है वांशु और कबीर साहू की ओर से 20 रुपए के शब्द सम्मान आज के आयोजन में सादर समर्पित करे है, राम कथा में समर्पित करे है। एक बार दोनों हाथों से कर लिए जोरदार ताली हो जाए और भगवान की कृपा आप लोग मिले, धन मिले, ज्ञान मिले और जीवन के मूल संपत्ति दुनिया में मूल सम्मान मिले। बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय हो। Thank you.
सत्संग के बारे में बताते रहे भाई। सत्संग जीवन के लिए उपयोगी है, एक क्षण भी करे हुए सत्संग जीवन लाभ पहुंचते। दूसरा है राम कथा, अभी सत्संग में हरि कथा, हरि के कथा का है तो जीवन के व्यथा ला हर लेते ही कथा आए, और भगवान की कथा जीवन के व्यथा ला दूर करते दाई। हट जटे जीवन की व्यथा ऐसन है सिया राम कथा। तो सबसे पहले जानन व्यथा कथे काला, तो दू जन पति पत्नी बस में सवार करके जावत रहे वो, और जावत रहे तो स्टेशन के समय उतरी ना, तो सबसे पहले पति देव उतर और पति देव उतरी ना तो बस छूट गए, बस छूट गए। अब अगर पति देव चिल्लावत है बस छूट गए, मोर पत्नी छूट गए, मोर पत्नी छूट गए, हमार आदरणीय श्यामलाल गुरु जी जैसे सज्जन व्यक्ति मिल गए, और पूछी से कल बाबू रोफस खबर का तकीज की भैया मोर पत्नी छूट गए ऐसे करते। अरे मैं अभी बस पर छूटा देख रहा हूँ तो फिर पत्नी कैसे छूट गए ऐसे करते, तो वही बस में बैठे थे इसे करते, वही बस में बैठे थे इसे मैं उतरन पाया वो उतरन नहीं पाई और जल्दी जल्दी में बस छूट गए। तब वो सज्जन आदमी कहते कि देख बाबू देख भगवान की कथा अगर सुने रहते तो आज तक पत्नी नहीं छूटती। तब वो आदमी कहते तो रामायण में भलो उसने लिखा है कि पत्नी कैसे छूटते तेरा, हाँ लिखा है कहाँ, तब केस की भैया अयोध्या कांड, और अयोध्या कांड के 16 क्रमांक 100 के नीचे पढ़ का लिखा है तेरा, हाँ काय कही जब भगवान राम और लक्ष्मण और माता सीता वनवास में वनवास जाकर थे दाई तक गंगा के तीर में पहुंचते, और गंगा के तीर में जाकर के केवट जी महाराज तक कहते कि केवट भैया हमारा गंगा के पार ना का दे तक काय करी दाई। तो भगवान राम सबसे पहले कौन ले चले इस नाव में, तो माता सीता तक पहले चली गई, तब अपन चली तब है ना भाई विशाख राज चली लक्ष्मण जी चली, और जब उतरिस्ता उतरिस्ता कौन लोग उतारी सबसे पहले, सबसे पहले माता सीता ने उतारी। मैं नहीं कहा था भाई रामायण में लिखा है कि उतरी ठाण भय सुर शरीर ता सिया सिया राम गुह लखन समेता। पहले कौन उतारी माता सीता ने पहले उतारी, तब भगवान राम उतरी, तब निषाद जी गुरुराज निषाद उतरी, तब लक्ष्मण उतरी है ना भाई। तो ऐसा चरण है भाई तो जीवन के बेहतर अगर मान लो यही बात कथा का सुने रहती कि कहीं भी आना जाना है तो पत्नी ना है ना पहले बिठाना है और सबसे पहले उतारना है, ये सीख से लाई राम कथा की। ऐसा ऐसा घटना ऐसा ऐसा चरित्र हम सब के जीवन पर राम कथा में मिलते हैं। तो यही हरी कथा, यही हरी कथा सुनने के बाद जीवन के मोह भाव थे, और मोह कथे का नाम तो मोह माने होते जान के न मानना। जैसे प्रकार से जानता दाई
खिचड़ी पीना, तंबाकू का सेवन करना, शराब का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जानते नहीं रहे लिखाए रखे रहे। पाउच खाना स्वास्थ्य, पान मसाला चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लिखाए रखे, लेकिन आदमी खाते तो नहीं खाए, जान के खाते रहे, बस वही मेरे दाई को। और कहो कि आप मतलब उदाहरण देव की जैसे प्रकार से गर्भा दारू पी के मार शरीर में गर्मी गर्मी गलत गलत आप रहा है, सामने से कहीं सज्जन आदमी आ गया वो कहते थे सर बमो सर झपा जाएगा अब झपाई के और झपा के तान का है कि फिर इस तरह मतलब है ना भाई, वो गर्भा आदमी है गिर तो गए लेकिन खलफला खलखला असर रहा है, सज्जन आदमी के थे अरे गर्भा दिमाग खराब गिर के कमोरे हासिल है, फिर में जाकर कि सज्जन आदमी तो अगर हाथ टूट गया है, अरे भैया मोर तेरा हाथ टूट गया है यार, तू हंस रहा है कहते वो कहते अरे मेरा हाथ टूटा है एक हाथ तो भी सलामत है, ऐसे आदमी कहते बड़ा विचित्र से आ गया तो माथा फूक गए भैया, ऐसे कहते अरे मेरा माथा फूका है तेरा माथा थोड़े फूका है, ऐसे अरे यार तेरा तो सबसे चिपट के तेरे का बोलो आपका हास्तस काबर यार, ऐसे कहते तब वो गर्भा आदमी कहते अरे मेरा माथा भूरा कुछ नहीं टूटा, मेरा हाथ टूटा कुछ नहीं टूटा, क्योंकि मेरे जेब का पौवर नहीं टूटा कहते पौवर नहीं टूटा। अब देखते इन्हीं हेरे मोह वो करते हाथ बोल के शरीर के कोई मोह नहीं होगा, पौवा ऊपर मोह है एक समाज की बात करवाने राम चरित मानस से हमारे घर के परिवार के कथा है और हमारे आदरणीय आपके ग्राम के भाई हैं नूतन सासू जी जो हमारे मानस शक्ति केंद्र के सचिव हैं और उनसे हमसे सबको प्रेरणा भी मिलते थे और घर परिवार की बहुत ज्यादा चर्चा लाते एक संदेश दे के प्रयास करते, तो वही संदेश हम लोग मत के मानस मंडल के कुछ रखे कि राम कथा के साथ साथ घर का परिवार का कुछ बात आपके मन के सुने हुए बात पर सुनाए के प्रयास से होते का प्रेरणा कुछ बात में कुछ संस्कार का भलत रखन को संस्कार सामने आज तो कुछ छूट जाते तो मैं बतावत रहे कि आज का संसार में समाज में देखे मिलते आज गरीब घर के लड़का मतलब लड़की नहीं मिलत है कोनो ठेस पहुंचा भी कर ले माफी चाहूँ कुछ बात रखना चाहता हूँ मैं मुंह खाला करके यही भी बताना चाहता हूँ कि आज लड़की नहीं मिले थे गरीब घर के लड़का ला है ना भैया गरीब घर के लड़की अच्छा पढ़ा भी दिखा डरे हैं भाई देखे पर लड़का भी नहीं मिले ऐसा भी संभावना आते है अब होते का जब लड़की अपन लड़की पढ़ा डरथन लिखा डरथन ना हम हर माँ बाप के सोच रहे थे कि हमारी बेटी अच्छा घर में जाए काबर अच्छा घर में जाए लेकिन काबर हर माता पिता अपन संतान से अधिक प्रेम करते चाहे बेटी बेटा कृष्ण हो पर प्रेम कभी कमी नहीं हो जाएगा एक माँ के लिए एक माँ अपन बेटे का ज्यादा प्रेम करते और बेटा के माया माँ बाप ज्यादा होता है और एक बेटी की माया बाप पर ज्यादा होते और एक है ना भाई होते नहीं जाएगा बेटी में ज्यादा माया करने लग करते हो बाप ना करते और मैंने कहा तो राम माता सीता के परिचय काकर से दिन गोस्वामी तुलसीदास जी हो देती थी पर माँ के परिचय से देती थी लेकिन नहीं माता सीता के परिचय काकर से थी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की माता सीता के परिचय पिता के नाम से दी जनक राजा के नाम से दी और भगवान राम के परिचय काकर कौशल्या नंदन कथो ना कौशल्या नंदन का तो माँ के नाम से और भगवान श्री कृष्ण का देवकी नंदन या सोजा नंदन काबर बेटा के माया माँ ऊपर ज्यादा रथे और माँ के माया बेटा ऊपर ज्यादा रथे और बेटी के माया बाप ऊपर रथे और बाप के माया बेटी ऊपर रथे लेकिन बाप की माया बेटी मतलब नहीं दिखे
बाप और बेटी का मजा करते कि नहीं मरे नहीं पता चले दाई, पता कब चल थे जब बेटी की विदाई होती है तब चल थे। बेटी की विदाई होते ना तब बेटी का पता चलते, समाज का पता चलते कि पिता अपन बेटी का प्रेम करते और कब ओकर प्रेम झलक के दाई जब बेटी की विदाई होती बनते दू जन धरे रहते दू जन धरे होकर के पाप घर के मुहाटी में खड़े है और घर के मुहाटी में खड़े होकर के हाथ का बांधे खड़े है दाई कोनो जात अपने की तो पिता करे के न छाती तक के बेटी अंतिम समय जा प्रश्न है आखिरी तो घर के द्वारे जा कर जा बाप से गलत कर जा जब बेटी अपन सर ला पिता के हृदय में रख के दाई हृदय में रखे ना कत्तो पिता कत्तो कलेजा वाला क्यों ना हो पत्थर दिल वाला क्यों ना हो जब बेटी के सर पिता के छाती में रखे ना तो कर पिता के आंखी से आंसू निकल जाए। ये मैं नहीं मैं हमने बेटी जब विदाई होते ना तब बाप की दया देखते बाप कहो करते कि बेटी आज तेरे सगा हो इस रे ते पौना हो इस बेटी ते सगा हो इस रे रानी लेकिन कोनो बेटी अपन आप ल सगा नहीं समझे दाई कोनो बेटी अपन आप ल सगा नहीं समझे और समझते कब तक नहीं समझे जब तक बाप जिंदा है तब तक बेटी अपन आप ल सगा नहीं समझे। अरे जब यही ना मैं कि ना बाप हम झगड़ा कर लिए हंसी ठिठोले कर लिए पापा मो सासी ढूंढे पापा सासी ले दे इसका मो भेज के मंगलसूत्र तोड़ के लिए पापा मो मंगलसूत्र बना देते इसका बाप लग करते गए जब को नौकरी वाली क्यों ना हो वो अपन बाप लग करते कि पापा 2 लाख के गहना दे दो पापा 20,000 रुपये हम पता थे थोड़ो दे देगा तब भी पिता गरीब क्यों ना होना क्यों ना हो रहा है अपन बेटी के हर सौ पूरा कर दे। ये पिता के मैया है ये पिता के मैया बेटी अपन आप ना सगा कब समझते जब संदेशा जाते कि ए नोनी जान नहीं तो पिता की तबीयत बड़ा खराब है संदेशा आ रहा बेटी ने हृदय संशय से भर के दाई देखो हम इसने सुनो नहीं गोठिया से कहा होगी सोई दौड़त दौड़त आते अपन कपड़ा बस्तर आधा समेट के दाए अब आ करके अपन पिता के घर आते पिता के घर आते जैसे ही चौखट में पैर रखते देखते का पिता घर के अंदर में ओकर ऊपर सफेद के चादर ओढ़े हुए कपड़ा ओढ़े हुए हैं चार लंदाई माँ काली माँ गोल बैठे हैं। बेटी जैसे ही बाप के दिल उठी में पैर रखते ना जान करते तब कहते हम बाबू आज मैं सगा हो गया। बेटी भी दिन अपन आप में सगा समझते रहे कि आज दुनिया में मेरे पिता जी चलते आज मैं घर के सगा बन गया। बेटी उस पर दिन सगा नहीं समझता है जब तक बाप जिंदा है तब तक बेटी कोनो बेटी अपन आप में सगा नहीं समझे बेटी चले जाते ना तब समझते रहे। देखे से बेटी मतलब हम दिवस साथी मतलब यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आज मातृ दिवस था है हर लड़का माता पिता का ऐसे सम्मान करना चाहिए हम ऐसा आचरण करना चाहिए व्यवहार करना चाहिए कि हमारे माता पिता के आंसू कभी न गिरना चाहे भैया कभी कोकर कलेजा में कोई प्रकार के दाग न लगे अगर जीवन में कोई दाग न लगे अरे अब माता पिता के सर हम ऐसा काम करें कि उनका सर झुकना ना पाए ऐसा काम न करें भैया एक संस्कार माता पिता के सम्मान के भाव हम सबके जीवन में होना चाहिए भगवान राम की यही शिक्षा है चाहिए। और यह भी जानते ना भगवान राम जब सुबह उठे ना तो चरण चरण के प्रणाम करे माता पिता के प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु नाम ही माता जीवन में उद्देश्य जाते कि एक परिवार से एक सदस्य से परिवार बनते परिवार से समाज बनते
से धर गो, हमर परिवार से धर गे, हमर परिवार से धर गे, हमर समाज से धर गे, हमर समाज से धर गे, हमर गांव से धर गे, हमर गांव से धर गे, हमर राज्य से धर गे, और हमर राज्य से धर गे तो वो देश ला सुधरना पड़े। तब ये हमर भारत देश जो पूर्व सर्व सनातन धर्म कहला तरी से कोई पुनः विश्व भूमि स्थापित बिल्कुल हो गई। जीवन का व्यवहार ले और एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ आप सबकी शुभकामना चाहता हूँ कि भगवान राम और भगवान राम आज रामलला के रूप में अयोध्या की नगरी में पावन विराजमान है। बड़ा सौभाग्य बड़ा हर्षित गौरव के क्षण हम सब मिली। काबर वो राम के 500 वर्ष पूर्व जब हमर पूर्वज मन हमर पूर्वज मन नाना प्रकार से अपन कई जन्म जी करके और तपस्या करत रही से कि कब भगवान राम के भव्य मंदिर बने, कब हमारा सनातन धर्म के प्रति अयोध्या नगरी में बने। कबू कबू भगवान राम से माता सीता घलो पूछत रही सोनी कि राम हे राम तो अयोध्या जन्मभूमि है कर्म भूमि है लेकिन आज तो पर अयोध्या में कोई प्रकार की जगह नहीं है। ते सब आवाज के सब भगवान सब लग घर देखा लेकिन तोरे पर घर नहीं है। तब भगवान राम हलो कहा कि श्री राय कि सीता ये भारत के भूइया है और भारत के भूइया में देर हो सकते हैं लेकिन अंधेर नहीं हो सके। और सच में राय वो समय रही 22 जनवरी 2024 जहाँ भगवान राम की भव्य मूर्ति रामलला के रूप में स्थापित है। एक बार मैं राघव सरकार के लिए जोरदार ताली बजा दीजिएगा। बोले श्याम रामचंद्र की बताना ही चाहते हो कि समय अनुकूल है तो चलो 5 मिनट शेष बतावत थे भैया जी तो लाइव में मोर कथा प्रसंग ही बता दी शेष कि भगवान के चरण चरणों में प्रेम कब हुई। जब भगवान के कब हो जब भगवान से प्रेम हुई और भगवान के प्रेम हुई से जीवन के मोह भागी और मोह भागी तब कहा तो हरि के कथा सुनते तब भागी और हरि के कथा कहा मिली गई जब सत्संग कर गए तब होगी। ये सुंदर मुहावरी से आओ समय अनुकूल है आप सबके लिए बस अपनी निवेदन करो कि आप सब धैर्यता के साथ जीवन जियो, भक्ति करो, भगवान की भक्ति करो दाई। और भक्ति करना तो सबसे पहले भगवान पर विश्वास करना, विश्वासम फलदायक और जीवन एक संघर्ष है। रहते दुख सुख होवत रहते अरे कहीं खुशी होगी तो कहीं हार होगी, कहीं खुशी तो कहीं गम होगी, कहीं जीत तो कहीं हार होगी। ये जिंदगी की सड़क है साहब धीरे धीरे ही पार होगी, धीरे धीरे ही पार होगी। भक्ति करना चाहिए जाए लेकिन ये शरीर का है तो शरीर एक कश्ती है, कश्ती माने नाव, ये नाव है जाए भवसागर तरे भर लेकिन होवत का है यार ये मानव रूपी कश्ती का पा करके हमारे मस्ती में मदद है नहीं भाई। हम रहे मस्ती में आग लगे बस्ती में क्या सोच करना कि नहीं भैया ये कश्ती मिले और कश्ती काबर मिले तो कश्ती में बैठ कर मस्ती करेंगे, कश्ती में बैठ कर मस्ती करेंगे तो कश्ती क्या करेगा। अरे अंधेरा तुझे पसंद है तो बिजली बत्ती क्या करेगा, लगा लिए हो फांसी तो रस्सी क्या करेगा, अरे जुओ में हार गया जुआ नहीं तो बावन पत्ती क्या करेगा, बावन पत्ती क्या करेगा। इसीलिए करके कृपा कृपालू ने मानव जन्म दिया है, अरे बंदा ना करे भजन तो रघुवीर क्या करेगा, बंदा ना करे भजन तो रघुवीर क्या करेगा। आप सबना एक बार पुनः साधुवाद सरस्वती मानस मंडल के जम्मू सदस्य मंडला अमर मानस शक्ति केंद्र के समस्त भजन मंडला अमर महात्मा सिद्ध की जरा मानस संघ के जम्मू सदस्य अधिकारी मंडला हृदय से साधुवाद। और आप सब खुश रहो स्वस्थ रहो यही भगवान से शुभकामना चाह। आप सब जय जय सीताराम भजन।
Thank you.
कैसे दाई गाना गावल करो पूछ चलो गाना गाया बड़ा ताली बजा के समर्थन दो बन ते घर जाओ नींद लगा थे तो हनुमान जाओ भाई तो हम उनके नींद का खराब नहीं करे तो गाना है ना चलो दाई हो जोरदार ताली बजा करो चलो आशीर्वाद मिले थोड़ा थोड़ा आप सबका आनंद के अवसर मिले चलन बोले सियावर रामचंद्र की
Bye.
चलिए आओ चलो भाई हो अंतिम भजन सब राम राम का हर अभी सृजन कर पावन ग्राम जाऊ आपके पावन ग्राम में छोड़ के तो चलो विदाई के विदा है ना भाई तो आप सब राम राम का हर आप सबसे सादर विदा विदा सिया राम लाल भैया More.
चलो विसर्जन के लिए धूम उठते हैं है ना, विसर्जन के साथ साथ वो जब ले जाने उतर नहीं मन Thank you.
स्वागत के लिए मैं सम्मान पूर्वक आमंत्रित करता हूँ श्री यशवंत पाल जी श्री।